नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे, और आज का हमारा मुद्दा है महंगाई पर सियासत। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। इसी कड़ी में एमपी कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर भोपाल में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है सरकार आंखें मूंदे बैठी है और जनता महंगाई चौतरफा मार झेल रही है। वहीं बीजेपी का इस मामले पर कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे की कमी है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा इसी पर विस्तार से करेंगे। मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बंदूक और ब्रीफ केस लेकर सब्जी खरीदने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने टमाटर, धनिया, मिर्ची और अदरक की खरीदारी की और सूट केस में बंद करके उसे कांग्रेस कार्यालय लेकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से हम पहले सोना चांदी खरीदते थे और उसकी लूट और चोरी के डर से शस्त्र लेकर जाते थे, इसी तरह से आज हरा धनिया, मिर्ची, टमाटर और अदरक के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका हमें डर है कि कहीं हमारे हरी सब्जी की लूट ना हो जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जियां तिजोरी में बंद कर रखी। वही बंदूक लेकर सब्जी खरीदने के मामले में कांग्रेसियों ने कहा इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं होगा, ये एक प्रतीकात्मक बंदूक है। सब्जी की सुरक्षा के लिए बंदूक जरूरी और यह व्यवस्था पर करारा तमाचा है। मोदी जी और शिवराज जी को जगाना चाहते थे कि वो जागे। वो अन्य मुद्दों पर तो बहुत बातें करते हैं लेकिन जो आम आदमी की थाली है उसकी बात कभी नहीं करते। तो हमने वहाँ पर अपने साथ संकेतात्मक एक बंदूकधारी भी साथ में रखे थे। बंदूक के साए में हम अटैची लेके गए थे और अभी हम यहाँ पे आकर तिजोरी में हमने उसको बंद किया है और तिजोरी में उसको संभाल के रखा है, क्योंकि आज जिस तरीके से सोने चांदी को लोग सेफ करके रखते वो भी सेफ नहीं होता है, वो भी चोरियाँ होती, उसी तरीके से सब्जी की भी चोरी होनी संभव है। वही बीजेपी इस पूरे प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दाहीन हो गई है और इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। चुनावी साल में बीजेपी जहां लाडली बहना योजना की सफलता का दम भर रही है, तो कांग्रेस महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है बढ़ती महंगाई हर आम इंसान को प्रभावित करती है। ऐसे में कांग्रेस को इस मुद्दा का कोई फायदा मिलता है या नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम से साफ हो पाएगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज का हमारा बिग डिबेट का मुद्दा है महंगाई पर सियासत, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जी और फिरोज सिद्दगी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और रमाकांत पटेल जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे जी आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विकास बोंद्रिया जी की। विकास जी, जी विकास जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल विकास जी, चर्चा में स्वागत है आपका। बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आज अनोखा प्रदर्शन किया कांग्रेसियों ने। शायद ना इस तरह का प्रदर्शन ना आपने देखा होगा, ना मैंने और ना शायद किसी ने, कि बंदूक के साये में हरी सब्जियों को ले जाया जा रहा है और जो कांग्रेसी हैं कांग्रेस कार्यालय के तिजोरी में हरी सब्जियों को रखा गया है कि ताकि चोरी ना हो जाए। किस तरह से देखते हैं? गनीमत है कांग्रेस की वो तिजोरियां जिन्होंने सत्ता हासिल करते वक्त करने के साथ में भरना चालू कर दी थी। पत्ता गोभी और पालक के लिए जगह तो बन गई, खाली हुई तिजोरी। नहीं तो तिजोरियां एक राजनीतिक दल के कार्यालय में क्यों बननी चाहिए, सवाल यहां से पैदा होता है। कांग्रेस ने आज अगर वो तिजोरियां दिखाई है अपने चुनाव कार्यालय की तो अपनी कलाई खोल के जनता के सामने रखी है कि आखिर ये तिजोरियां बनाई क्यों गई। जनता अब स्पष्ट रूप से समझ रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है। जहां तक महंगाई को लेके कल किए जाने वाला ये प्रदर्शन रहा है, देखिए आप लोग मीडिया कवरेज दें, अखबारों में थोड़ा सा कुछ कॉलम सेंटीमीटर की जगह मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है और उसे एक नाटकी ढंग दिए जाने का वो प्रयास करती है। फिरोज भाई तो खुद किसान है, सुबह 3 बजे 4 बजे आप देखिए टमाटर के बोरे टोकरे क्रेट उतर रहे थे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि कोई लूटमार मची हो, बढ़िया बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है, टमाटर की वो भी कीमत नहीं है जो सोने चांदी की होती है, सोना 60,000 रुपए तोला के लगभग है, और कहां
ये टमाटर के लिए बंदूक रख रहा है। बेसिकली एक अतिशोक्तिपूर्ण नाटकीय व्यवहार है कांग्रेस का। अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता, बहुत देखिए सब्जी के मामले में मैं थोड़ा सा सीरियस नोट भी लेता हूँ। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि अपने आप आपूर्ति की कमी होती है और सब्जी के भाव में वृद्धि होती है। खेतों में सब्जी का जो टूटने का काम होता है, हार्वेस्टिंग का जो काम होता है, वो थोड़ा कम गति का हो जाता है, इसलिए आपूर्ति में दिक्कत होती है। टमाटर वैसे गर्मी में और बारिश के सीजन में टमाटर हमेशा से थोड़ा सा भाव बढ़ता है। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ स्वभाव है कि कौन सी फसल कब अच्छी होगी, कब मध्यम होगी। वो तो आजकल हमारे पास में चूंकि अच्छी सड़कें हैं, तो फिर भी दूसरे क्षेत्रों का टमाटर भोपाल इंदौर तक आ जाता है, जो आंध्रा से भी आता है। इस वजह से यहाँ पे हमें आपूर्ति हो जाती है। तो कांग्रेस का जब शासनकाल था, खासकर सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, तब तो टमाटर की उपलब्धता नहीं थी, भाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जी हमारे साथ मौसम में देखिए टमाटर की खटाई जो है इन जनरल सर्दियों के दिनों में ज्यादा चलन में होती है। गर्मी के मौसम में कैरी की खटाई का उपयोग किया जाता है। अब टमाटर का भाव बढ़ना तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, कुछ ज्यादा कम कभी कभी हो जाता है सप्लाई और डिमांड के गैप के अंतर के कारण, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में कांग्रेस को अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। उन्हें अगर चुनावी राजनीति में जिंदा रहना है तो उन्हें अपने संगठन को थोड़ा सा और मजबूत बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीक जी भी जुड़े हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। फिरोज जी इतना डर कि बंदूक के साये में आप लोग सब्जी खरीदने गए और फिर कांग्रेस कार्यालय की तिजोरी में रख दिए, लूट का डर, चोरी का डर। देखिए ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। सवाल ये है कि जो ये भाई बात कर रहे थे कि सोने चांदी का भाव कुछ और है और टमाटर का भाव कुछ और है, एक गरीब आदमी के लिए टमाटर जो है और सब्जियां जो है सोने चांदी के भाव तक पहुंच गए, एक आम इंसान के लिए वो सोने चांदी के भाव तक पहुंच गए। अब भाई हमारे बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे, तो इनकी दलीलें भी सुन ली जाए कि जो है टमाटर का भाव कभी कहीं कुछ और होता है और कभी कुछ और होता है। भाई एक रुपए किलो टमाटर जो था किसान फेंक रहे थे, और अभी जो है किसान जो है 160 रुपए किलो टमाटर है, लेकिन किसान को तो वो 25-30 रुपए किलो ही में ही खरीदा जा रहा है। तो दिक्कत तो ये है कि जो कालाबाजारी है वो लूटमार कर रहा है, और कालाबाजारियों के कारण ही किसान को दाम नहीं मिल रहा है। तो पहली तो सरकार की कामयाबी ये है कि कालाबाजारी जो है किसान को भी लूट रहे हैं और आम जनता को भी लूट रहे हैं, और ये बीच में मुनाफा कमा रहे हैं। ये सरकार का सबसे बड़ा जो है फेल्यूर है, सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है, और सरकार जो है इन कालाबाजारियों के साथ मिली है, ये कांग्रेस का सीधा आरोप है। जब एक रुपए किलो टमाटर था किसान फेंक रहा था, तब बाजार में वो 25-20-25 रुपए किलो ही बिक रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था, सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अभी तक आप एक ऐसी अधोसंरचना का विकास नहीं कर पाए कि टमाटर जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए, जब भाव बढ़े तो वो टमाटर बाहर आ जाए, और जब भाव कम है और उत्पादन ज्यादा है तो वो कोल्ड स्टोरेज में अंदर चला जाए, ताकि स्थिर जो भाव है वो मार्केट में स्थिर रहे। इससे किसानों को भी लाभ है और आम उपभोक्ता को भी लाभ है। अब जो ये तीसरी बात कह रहे थे कि साहब इन दिनों में टमाटर की जो कटाई है वो टमाटर की नहीं, इमली और पता नहीं क्या केरी की कटाई की बात कर रहे थे, तो विकास भाई से उम्मीद यही हो सकती, इनके जो विधि मंत्री है अर्जुन मेघवाल, वो भाभी जी पापड़ का तरीका नुस्खा बता रहे थे, तो ये भाई साहब जो है अब डिबेट करते करते ये जो है किचन की रेसिपी भी बता रहे हैं, क्योंकि टमाटर बोले साहब अभी टमाटर की जरूरत नहीं है, इमली और केरी की खटाई का लोग उपयोग कर रहे हैं। ये हास्यास्पद बातें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, हमारे साथ आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी जुड़े हैं। रमाकांत जी से प्रतिक्रिया ले रहे थे। रमाकांत जी क्या लगता है, रुक जाइए विकास जी, रमाकांत जी क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है? देखिए कविता जी, मैं आपको बतलाऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये गाना गाते थे जी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन मारे जात है, महंगाई डायन खाए जात है।
केंद्र के चुनाव थे 2014 के पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन टमाटर हो गए 160 के पार, पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार, सो रही है मोदी सरकार। दूसरा ये कह रहा हूं मैं, यहां पे कीमतें कम हो सकती हैं अगर सरकार की मंशा हो कीमतें कम करने की। आप देखिए कि डीजल के दाम क्यों नहीं कम कर सकते हैं, डीजल के दाम कम कर दें, टोल टैक्स में जो वसूली चल रही है वो बंद कर दें, ट्रक वालों से रिश्वत ली जाती है हर जगह पे, कृषि उपकरणों पे 18% जीएसटी ली जाती है, खाद महंगी मिल रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, खेती करने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, तो चीजों के दाम तो बढ़ने हैं। और दूसरा ये कि जैसे आज टमाटर की बात कर रहे हैं, किसानों को उसका दाम नहीं मिल रहा है, चना किसान जब बेचता है मंडियों में तो उसको 40-45 रुपए का दाम मिलता है, लेकिन वही चना जब दुकानदारों से आदमी खरीद के लाता है, आम उपभोक्ता खरीद के लाता है, तो उस चने की कीमत उसको 110 रुपए 120 रुपए चुकानी पड़ती है। यही हाल तुअर का है कि किसान को तुअर का दाम मिलता है 50-60 रुपया, लेकिन बाजार में वो तुअर मिलता है लोगों को 150 रुपए में। तो ये सरकार अगर चाहे, इसकी नियत अगर हो कि महंगाई कम करनी है तो महंगाई कम की जा सकती है, क्योंकि इनकी नियत नहीं है। सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता जी, विकास जी से पूछ रहे थे। विकास जी, रमाकांत पटेल जी का यही कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो खूब रोना रोती थी, महंगाई की मार बहुत हुई, अब क्या कहेंगे? देखिए, जब हम विपक्ष में थे, अगर उस वक्त महंगाई बढ़ रही थी तो हमने पूरा विपक्ष का कर्तव्य निभाया कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो विपक्ष में तो वही कर रही है ना विकास जी? नहीं, नाटकी कर रही, और करने की आवश्यकता भी नहीं विपक्ष को, क्योंकि सत्ता पक्ष इसके लिए गंभीर है। लेकिन रमाकांत पटेल जी, आप पार्टी से जुड़े हैं, वो तो सरकार की नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं और आप बोल रहे गंभीर है। कालाबाजारी का फिरोज सिद्दीकी ने बोला कि मैं खुले में आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर कालाबाजारी का। मुझे बोलने का मौका तो जी, बोलिए। आज आपने अच्छा किया, कांग्रेस और आप पार्टी को बुलाया, सपा को नहीं बुलाया, क्योंकि उनकी सरकार कहीं है ही नहीं। आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में भी टमाटर का भाव 100 रुपए किलो से ज्यादा है, जयपुर में भी उसका भाव 100 रुपए किलो से ज्यादा है। थोक मंडी भाव ले ले हम तो जयपुर में 60-70 रुपए। लेकिन अभी जो मुद्दा है विकास जी, मुद्दा मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मुद्दा मध्य प्रदेश का है, यहाँ की भी बात, मैं यहाँ की भी बात करूंगा। देखिए, कृषि जिनसों में व्यापार अंतर प्रदेशी होता है, इसलिए हमें बात तो भाव जब हम बात करेंगे तो सब जगह की करनी पड़ेगी। यहाँ की गाजर अगर मेरठ की मंडी में जाती है और आंध्रा और महाराष्ट्र का टमाटर मध्य प्रदेश में आता है तो 70 रुपए हमें। ठीक है, रखिए पक्ष। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं सीधे तौर पर बात करना चाहता हूँ जी। देखिए, अभी बात की रमाकांत जी ने डीजल की कीमत, उसमें कृषि उपकरण, अरे भाई फिरोज भाई ने क्या कहा कुछ दिन पहले, टमाटर का भाव कमतर था बाजार में, कम था, फिरोज भाई ने बोला तब भी, तब जो जिन बातों की चर्चा रमाकांत जी ने की वो उनके ऊपर टैक्स उतना ही था जो आज है। तो ये गलत दिशा में भ्रम पैदा करने का हमेशा आप पार्टी का प्रयास रहता है। सही बात तो ये है कि मौसमी फसलें होती हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज का, उनके परिवहन का बेहतर और उनकी फूड प्रोसेसिंग का इंतजाम होना चाहिए। देखिए, आपने बताओ आपको टमाटर को बहुत दिन कोल्ड स्टोरेज, तो मेरा मुद्दा है साहब कि 20 साल में आपके पास ही आएंगे। अगर टमाटर की फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से प्यूरी तैयार की जाती, आप बताइए ना, प्यूरी का भाव एक महीने पहले जो था वही आज भी है, वो कैसे मुमकिन हुआ? प्यूरी आज बिना दिक्कत के उपलब्ध है दुकानों के शेल्फ में। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया, उसके लिए किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को हमने मोटिवेट किया, सहायता दी, और ये कारण है कि आप सॉस के, टोमेटो सॉस के रूप में प्यूरी की उपलब्धता को पाते हैं। फिरोजी, तो मुझे लगता है कि जो सही निदान है उसकी ओर देखिए, सवाल यही है, मैंने मैंने बिल्कुल मौजू मुद्दा उठाया है। अगर हम आ जाए तो महंगाई की थोक मूल्य सूचकांक जो है वो नेगेटिव है मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई है थोक मूल्यों में पिछले एक वर्ष के कंपैरिजन में, पिछले 1 जुलाई के कंपैरिजन में कमी आई है। विकास जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि टमाटर के दाम बढ़े हैं कि नहीं, महंगे हुए हैं कि नहीं? विकास जी, मेरा सवाल है, विकास जी,
मेरा सवाल है, टमाटर की बात करें, धनिया की बात करें, अदरक की बात करें, आम आदमी के पहुंच से बाहर है या नहीं, आप इसे किस तरह से देखते हैं, ये मेरा सवाल है। नहीं, 100 रुपए किलो होता है तो आम आदमी के पहुंच से बाहर होता है। इस वक्त में हम अगर समोसे के साथ में चाहेंगे कि हमें ठेले के ऊपर चटनी मिल जाए तो वो हरे धनिया की चटनी तो दे रहा है, टमाटर की चटनी नहीं देगा यकीनन। हरी धनिया भी नहीं मिल रही है विकास जी, हरी धनिया भी नहीं मिल रही है। खुद ये मान रहे हैं इस बात को कि जो है फूड प्रोसेसिंग का, अरे फूड प्रोसेसिंग का ये माकूल इंतजाम नहीं कर पाए, ये स्पष्ट हो रहा है और ये सामने दिख रहा है। 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यानी आपने कोई काम नहीं किया किसानों के हित में। और जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो भी सही कह रही है कि अगर ऐसा समय है तो आपको छूट देना चाहिए किसानों को, और ट्रांसपोर्टेशन में कमी करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ तो राहत दीजिए। सरकार तो हाथ खड़े कर दिए उसने कि साहब ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें टमाटर जो है वो महंगा हो रहा है, तो होने दीजिए 160 रुपए का हो भाई। डीजल क्यों महंगा है, पेट्रोल क्यों महंगा है, पेस्टिसाइड का पे वैट लगता था 5%, अब लगता है 12% और 18%। पहले एग्रीकल्चर पाइप पे वैट लगता था 5%, अब लगता है 12% और 18%। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे भी वैट लगता है, वैट था 0, अब लगता है 12% जीएसटी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चीज महंगी हो रही है, खेती का मिसमैनेजमेंट है, कालाबाजारियों का बोलबाला है, ये इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इसलिए ये सब चीजें महंगी है। अगर सरकार जो है ये बात का ध्यान रखती कि हमारी खपत कितनी है, कितना हमको है ना क्रॉप लगवानी है किसानों से, कितना अगर ज्यादा लग गई है तो हमें उसे कहाँ खपाना है, तो किसान का 1 रुपए किलो में टमाटर जो है सड़कों पर मारा मारा नहीं फिरता। लेकिन 1 रुपए किलो में भी आपको याद नहीं होगा कविता जी कि आपको 2 रुपए किलो का भी टमाटर मिला हो, 5 रुपए किलो भी कभी टमाटर मिला हो, ये आपको याद नहीं होगा। लेकिन किसान जो है सड़कों पर फेंक रहा था, तो ये एग्री मिसमैनेजमेंट किसका है, सरकार की गलती है। कालाबाजारियों पे नकेल नहीं कस पा रही हो, सरकार की मिली भगत है, ये भी सरकार का भ्रष्टाचार है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने जो है फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं की है, यानी वो उन वैल्यू एडिशन की व्यवस्था नहीं की है, प्यूरी बनाने की नहीं की है, तो ये सरकार की नाकामी है। करोड़ों रुपए का जो बजट अनुदान का है, वो अनुदान का बजट चला जाता है। आपके विभाग निकलते हैं, बागवानी विभाग। रमाकांत जी देखिए, कविता जी अभी विकास जी ने कहा, ये एक्सेप्ट किया कि कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की हमारी कमी रह गई, हमने नहीं किया है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन लेकिन इन्होंने दिल्ली के संदर्भ में बात की कि दिल्ली में भी इस रेट में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए दिल्ली के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, दिल्ली के लोगों के लिए बिजली मुफ्त की है, दिल्ली के लोगों को पानी मुफ्त की है, इलाज में जो पैसा खर्च होता है वो दिल्ली के लोगों का बचता है। महंगाई से राहत देने के लिए मैं कविता जी, क्योंकि विकास जी ने बात की इसलिए उस संदर्भ में बता रहा हूँ। आपने जवाब दे दिया, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में महंगाई से चारों तरफ से जनता घिरी हुई है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है, इलाज करवाने जाओ तो महंगा हो जाता है, कोई अगर गरीब आदमी इलाज कराने जाए तो उसको अपना खेत बेचना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए गहने बेचने पड़ते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, इन लोगों ने लोगों को लूटने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को निचोड़ने का काम किया है, केवल यही काम किया है। और ऊपर से बोल रहे हैं, विकास जी बोल रहे हैं कि थोक महंगाई दर तो बहुत कम है, महंगाई दर तो बहुत कम है। भैया टमाटर 150 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है और आपको लग रहा है कि महंगाई कम है। हर इंसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसा पैसे वाला नहीं है, आम आदमी के लिए महंगाई है विकास भैया, महंगाई है आम आदमी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता नहीं होगी महंगाई। बंधु अरे रमाकांत जी, आप रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स देख लीजिए क्या है सर, आपके भाषण, आपकी बातें, आपके डाटा और विकास जी, आपको 150 रुपए किलो टमाटर महंगा नहीं लगता है क्या? आप बतलाइए महंगा नहीं लगता है क्या? 100 रुपए लीटर का महंगा नहीं लगता है क्या? 1100 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लगता है क्या? दिल्ली में 10 रुपए यूनिट बिजली महंगी नहीं लगती है क्या?
दस रुपए यूनिट बिजली महंगी नहीं लगती है क्या? आप बतलाइए ना, क्या सस्ता है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या सस्ता दे रही है भारतीय जनता पार्टी? रमाकांत जी, माफ कीजिएगा विकास जी, रमाकांत जी मैं सवाल कर रही हूँ, बताइए महंगाई है कि नहीं है विकास जी? नहीं नहीं देखिए, महंगाई 4% हमारा जो इंडेक्स आ रहा है रिटेल इन्फ्लेशन का, तो उतना मैं बता रहा हूँ कि 4% है महंगाई वृद्धि दर हमारी 4% है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा नेगेटिव पहुंच गया है। तो होलसेल प्राइस बोलने लगे, आप लोग सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, ये आरबीआई निकालने का फार्मूला हमने नहीं बनाया है, ये यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी वही था, इंदिरा जी की सरकार थी तब भी वही था, नेहरू जी की सरकार के वक्त भी था, और ये आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार आईआरएस है ना, वो तो रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर बहुत अच्छे ये लेकिन विकास जी बार बार कांग्रेस यही कहती है, इंडेक्स के ऊपर काम किया जाता है, विकास जी बार बार कांग्रेस यही कहती है कि जब विपक्ष में थी बीजेपी तब बीजेपी को महंगाई दिखती थी, लेकिन अब जब महंगाई है तो बीजेपी को महंगाई क्यों नहीं दिख रही है? कांग्रेस का बार बार यही सवाल रहता है। मैंने कहा ना आपको, विपक्ष में जब हम थे यूपीए सरकार में थी तब रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था? डबल डिजिट था, 10% से ज्यादा 12% महंगाई दर। जवाब दीजिए फिरोजी, फिरोजी सवाल जवाब दीजिए, बार बार कांग्रेस सवाल उठाती है, सुन लीजिए विकास जी जवाब, फिरोजी का जवाब सुन लेते हैं, विकास जी सवाल जवाब सुन लेते हैं। मैंने अभी आपको इतने सारे आंकड़े बताए, विकास जी समय का भाव रहता है, 2 मिनट ही, जल्दी से जवाब सुन लेते हैं, रमाकांत जी के पास भी चलना है, जल्दी से फिरोज जी, अगर हमारे जमाने में सिलेंडर था सुन लीजिए, अरे विकास जी भैया हमारे हमारे जमाने में था सिलेंडर 400 रुपए का, 1150 रुपए का, पेट्रोल था 55 रुपए, आज 108 रुपए, डीजल था 50 रुपए और आज 94-95 रुपए, ये कैसी बातें करते हैं कि महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही? फिर रमाकांत जी के पास चलने से पहले एक बार विकास जी, विकास जी, विकास जी जो जो फिरोज सिद्दीकी जी ने रेट बताई है, रेट बताई उस पर प्रतिक्रिया चाहिए मुझे, जो रेट बताई है फिरोज सिद्दीकी जी ने, जल्दी से, फिर रमाकांत जी के पास चलेंगे, समय का बहुत अभाव है, जल्दी से विकास जी। मैंने स्पष्ट कहा कि रियल इन्फ्लेशन इंडेक्स जो महंगाई दर में वृद्धि की बात है वो मात्र 4% है, जो कि एक्सपेक्टेड है, जिसे इंटरनेशनली सभी फाइनेंसिंग जो एजेंसीज होती है, फाइनेंस कंट्रोलिंग एजेंसीज होती है, वो अच्छा ही मानती है कि इतना होना चाहिए, इसके साथ में हमारा बैंक का इंटरेस्ट रेट भी प्रोपोर्शनेटली जुड़ा हुआ, अगर इससे कम भी होगा तो पता लगा बैंक में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। कविता जी बतलाओ कि भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार में और घमंड में है, इनका अहंकार और घमंड तो मध्य प्रदेश की जनता इस बार तोड़ने वाली है। अभी बताओ, सुन लीजिए, 1 तारीख को आम आदमी पार्टी की एक रैली हुई थी ग्वालियर में, 1 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम अड़चनों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए और लोगों ने बतला दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से दुखी है, यहाँ भी हमको दिल्ली और पंजाब जैसा मॉडल चाहिए, यहाँ भी महंगाई कम करने वाली सरकार चाहिए, यहाँ भी सुविधाएं देने वाली सरकार चाहिए, यहाँ भी किसान हितैषी सरकार चाहिए, यहाँ भी रोजगार देने वाली सरकार चाहिए, तो लोगों ने बतला दिया। फिरोज जी बीजेपी ये कह रही है आज के प्रदर्शन को लेकर कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हाल विकास जी दिल्ली में आना हो गया है, दिल्ली में उनको ना महंगाई दिखता है, भारतीय जनता पार्टी का हाल सावन के अंधे की तरह हो गया है, ना उनको भ्रष्टाचार दिखता है, ना महंगाई दिखती है, ना उनको जनता की परेशानी दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, उनको कुछ नहीं दिखता भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की तो सीधी बात है कि अगर पूछो महंगाई तो कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूछो कि सिलेंडर क्यों महंगा है तो कहते हैं 370 दे दो, तो भारतीय और आप पूछिए कि बेरोजगारी क्यों है तो कहते हैं भारत विश्वगुरु बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती, जनता की वास्तव में इसी पर सवाल है, विकास जी मेरा इसी पर सवाल है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी को करना है रवाना, फिरोज जी रुक जाइए एक सेकंड, बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, महंगाई है, मुद्दा उठाना तो काम ही है विपक्ष का,
है ना मुद्दा उठाना काम है, उठाना चाहिए, लेकिन मुद्दा तब उठा सकते हैं ना, ये आप पार्टी बात कर रही है दिल्ली और पंजाब की, तो बताएं वहाँ पे टमाटर का भाव आप पार्टी पे चलिए चलिए ठीक है चलिए समय हो गया है। विकास जी भले दिल्ली में खेती नहीं होती लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, महंगाई से राहत देने का हमने काम किया है वहाँ। ठीक है आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जी आपका बहुत धन्यवाद, रमाकांत पटेल जी आपका बहुत धन्यवाद, फिरोज सिद्दीकी जी आपका बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा बिग डिबेट का मुद्दा था महंगाई पर सियासत। भोपाल में कांग्रेसियों ने बंदूक के साये में हरी सब्जी खरीदने पहुंचे और उसे कांग्रेस कार्यालय में तिजोरी में रखा गया, उनका यह कहना था कहीं लूट ना हो जाए। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।